अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग क्रेज़। आज हम बनाएंगे डिफरेंट तरह के सैंडविचेस और ये बहुत मज़े के हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं घर पे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप नोट कर लें रेसिपी, ठीक है? बहुत ही डिलीशियस बने, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और देखने में भी कितने मज़े के लग रहे हैं। हम लेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ अ स्मॉल कैबेज, उसको चॉप कर लेंगे, यूँ कट कर लेंगे। और हमने एक पाव चिकन लिया है और उसको बॉईल करके यखनी के स्टाइल में उसको श्रेड करके रख लिया। एक अदर टमाटर, उसको भी चॉप कर लें। एक कैप्सिकम, वो भी चॉप करनी है। और ये मटर और चाइनीज़ कैरेट है, उसको मैंने कट करके बॉईल कर लिया। एक लीमू हमें दरकार है इसके लिए। दो अदद अंडे, ब्लैक पेपर पाउडर, ओनियन एक हमने लेना है मीडियम साइज़ का, उसको भी चॉप कर लेना है। और एक ये हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, और ये हमने दोनों तरह के जैतून ले लिए, ग्रीन ओलिव और ब्लैक ओलिव। और केचप हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच, और एक कप हमें चाहिए मेयोनीज का। और हमने यूज़ करना है ये चेडर चीज़, और उसके अलावा ये मोज़रेला चीज़ भी ज़रूरत पड़ने पे हम यूज़ करेंगे। और ये ओरिगानो हम स्मेल के लिए, खुशबू के लिए करेंगे यूज़ थोड़ा सा। और ये मैंने ब्रेड के स्लाइसेस, इनकी साइड्स मैंने उतार ली हैं, और ये स्क्वायर शेप के अलावा सर्कुलर शेप में भी ले लिया। ये किसी भी ग्लास से या उनको कट कर लिया बारीक सा, ये क्यूब्स की शक्ल में और ये सर्कल शेप में डेकोरेट करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम पैन में एक चम्मच ऑयल ले लेंगे और उसके अंदर हमने डालना है ये चॉप किया हुआ लहसुन, एक चम्मच। अब हम इसको लाइट सा फ्राई कर लेंगे। हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को बस हल्का सा पकाना है, इसे ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारी लाइट सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, दरा मिर्च 1 पिंच, सॉल्ट टू टेस्ट, अंदर आप थोड़े 1 से 2 चम्मच टमाटर चॉप किए, इसके अंदर डालेंगे कैबेज, तीन चम्मच साथ ही हमने ये बॉईल किए हुए मटर और गाजर ये भी डाल देने। अब ये रेड चिली चिकन इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम कैप्सिकम ऐड कर देंगे, और
कैप्सिकम हमने इसमें ऐड कर दिया, तो लाइट सा पका लेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको उतार लेना। अब हमारी ये चिकन और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेते हैं, इसको ठंडा कर लेंगे। सैंडविच की स्टफिंग को अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको एक बाउल में डालेंगे। ब्लैक पेपर, सॉल्ट जो बच गया था, मेयोनीज, तीन से चार चम्मच टू टेबलस्पून, और इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। स्टफिंग हमारी मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे फ्लेवर के लिए, और इसको मिक्स कर लेंगे फिर से। अब हम स्टफिंग को स्लाइस पे लगा लेंगे। कॉर्नर्स पे भी अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये हमारी स्टफिंग लग चुकी है। अब हम दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए हमारा सैंडविच। खैर हो गया मेरी। अब इसके ऊपर एक और लेयर लगाने के लिए हम ये स्टफिंग इसके ऊपर लगाएंगे। कॉर्नर पे भी लगा लेंगे। इसके ऊपर स्लाइस रख देंगे। इसके ऊपर लगेगी मेयोनीज। और हम ये मोजरेला चीज इसके ऊपर रख देंगे और इसको ये जो कच्ची कैप्सिकम हमने बचा के रखी थी वो डाल देंगे। ओलिव्स, ये टमाटोज, और ये कैरेट और पीस जो बॉईल करके रखे थे। इसको अब हम ओवन में रखेंगे। ये जो सर्कल शेप में हमने काटा हुआ है इसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे।
अगेन इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, और हम इसी इतना भी रख सकते हैं इसको। ये हमारी सैंडविचेस रेडी हैं, बस इनके ऊपर अब हमने चिली फ्लेक्स डाल देने हैं। वो हम बाद में भी डाल सकते हैं बेकिंग के, लेकिन मैं पहले ही डाल रही हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस पे इन दोनों पे हमने मोज़रेला चीज़ लगाया, और ये छोटे वाले जो राउंड वाले सैंडविचेस हैं इन पे हम चैटर चीज़ लगाएंगे। अब इनको हम ओवन में रखेंगे। और हम ये मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर रख देंगे, और इसको ये जो कच्ची कैप्सिकम हमने बचा के रखी थी वो डाल देंगे। ओलिव्स टमाटोस, और ये कैरेट और पीस जो बॉईल करके रखे थे। इसको अब हम ओवन में रखेंगे। ये जो सर्कल शेप में हमने काटा हुआ है इसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अगेन इसके ऊपर इतना भी रख सकते हैं इसको। ये हमारी सैंडविचेस रेडी हैं, बस इनके ऊपर अब हमने चिली फ्लेक्स डाल देने हैं। वो हम बाद में भी डाल सकते हैं बेकिंग के, लेकिन मैं पहले ही डाल रही हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस पे इन दोनों पे हमने मोज़रेला चीज़ लगाया, और ये छोटे वाले जो राउंड वाले सैंडविचेस हैं इन पे हम चैटर चीज़ लगाएंगे। एग मायो सैंडविच बनाने के लिए हमने जो दो एग्स लिए हैं अब हम उनको चॉप कर लेंगे। पहले ये हमारा अप्लाई हो गया एक स्लाइस के ऊपर, अब सेकेंड इसके ऊपर रख देंगे।
ये हमारा रेडी है जी। तो हमारे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट आने वाली रेसिपी के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।